फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज़ गीतांजलि। टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 7th ऑफ क्लास 6th। सो स्टूडेंट, अवर चैप्टर नेम इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो स्टूडेंट, लेट स्टार्टेड। वी आर ऑब्जर्व दैट अवर सराउंडिंग दे हैव लॉट्स ऑफ प्लांट अराउंड अस, एंड ऑल्सो सम प्लांट्स आर स्मॉल वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट ग्रीन ऑन द सॉइल। बच्चों, देखा होगा जो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे और बहुत अलग अलग टाइप के वैरायटी के प्लांट्स है। कोई कोई तो बहुत छोटे होते हैं, कोई कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, और कोई कोई हमारे साइज़ के होते हैं, आप लोगों के साइज़ के होते हैं। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट। वी सीम दैट दे आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट विच आर अकाउंट अराउंड अस नियर अवर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू स्कूल, इन द पार्क एंड गार्डन। बच्चों, आपने देखा होगा बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं आपके सराउंड में, जैसे कि आपके घर के आसपास, आपके स्कूल ग्राउंड में, आपके जब आप स्कूल जाते हो तब आपके स्कूल के साइड, रोड के साइड में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जब आप पार्क में जाते हो या गार्डन में जाते हो तब आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो कि स्मॉल होते हैं, बिग होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। दिस विल हेल्प अस फॉर अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। बच्चों देखो, हम कोई एक प्लांट्स लेते हैं, ठीक है बच्चों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हर्ब्स ट्री। पहले बच्चों पता होना चाहिए कि हर्ब्स क्या होता है, शर्ब्स क्या होता है, ट्रीज क्या होता है। ठीक है बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे हर्ब्स। हर्ब्स आर द प्लांट विद एरोमेटिक प्रॉपर्टीज दैट आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग, गार्निशिंग फ्रूट। इट इज़ ऑल्सो आर मेडिसिनल पर्पसेज। इट इज़ स्मॉलर देन यू। देखो बच्चों, जो हर्ब्स होते हैं ना, वो एरोमेटिक मतलब कि आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। ठीक है, जो 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 प्लांट होता है ना, बहुत छोटे होते हैं और जिससे हमें खुशबू मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है, क्योंकि उसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी होता है। और ये क्या क्या काम करता है, ये फ्लेवरिंग करता है, गार्निशिंग करता है फूड में। ठीक है बच्चों, और इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, और ये हमसे छोटे भी होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपसे छोटे छोटे जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किस में आते हैं, वो सब हर्ब्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका हम एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल टमाटो बोल सकते हैं, और भी हम बोल सकते हैं पुदीना, फिर और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं जो ग्रीनी टाइप के हो, जो आपसे छोटा हो। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है शब्स। शब्स क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल टू मीडियम साइज वुडी प्लांट, दे हैविंग वुडी स्टेम विच अबव द ग्राउंड। दोज प्लांट्स आर अबाउट योर साइज। देखो बच्चों, ये तो छोटे भी होते हैं और मीडियम साइज़ के वुडी प्लांट होते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि ग्राउंड से ऊपर होते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली आपके साइज से होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका हम एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, जैसे लेमन का पेड़ देखा है आपने, वैसे साइज का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीज क्या होता है। ठीक है, ट्रीज आर प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू। देखो बच्चों, ट्रीज वो होते हैं जो कि आपसे भी लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, आपसे भी लंबे होते हैं। ठीक है, उनको ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, हम मैंगो ट्री बोल सकते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे हम स्टेम। अ स्टेम इज़ वन ऑफ टू मेन स्ट्रक्चर एक्सेस ऑफ अ वास्कुलर प्लांट, द अदर बीइंग द रूट। इट इज सपोर्ट लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर। बच्चों देखो, जो हमारा स्टेम होता है ना, स्टेम, ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चर एक्सेस होता है जो कि वास्कुलर प्लांट। ठीक है, और ये हमारे किससे होता है, बीइंग द रूट, ये हमारे रूट से पूरा स्टेम तक अटैच होता है। ठीक है, और ये हेल्प क्या करता है, ये सपोर्ट करता है लीफ को, फ्लावर को, फ्रूट को, और ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर को। ठीक है, अब पढ़ते हैं लीफ। ठीक है बच्चों, लीफ अटैच टू द स्टेम, सो अ पार्ट ऑफ लीफ विच आर अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड एज पेट्रल। देखो बच्चों, हमारा जो स्टेम से जो लीफ में जो अटैच होता है उसको हम पेट्रोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, वाइल द बोर्ड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीड इज कॉल्ड लैमिना। ठीक है, ठीक है, जो हमारा जो लीफ हो उसका जो साइड में जो बॉर्डर ग्रीनी पार्ट होता है उसको लैमिना कहते हैं। और जो हमारा जो लीफ होता है वो किस में भी यूज़ होता है, वो हमारा फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो कि प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाती है, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम रूट। रूट विच ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम हैव बुशी अपेरियंस। रूट्स आर मेनली टू टाइप्स, टैप रूट एंड फेब्रियस रूट। बच्चों देखो, जो हमारे रूट होते हैं वो अंडर द ग्राउंड होते हैं। ठीक है, और ये बुशी अपेरियंस होता है। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक टैप रूट होता है, एक फेब्रियस रूट होता है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना। ठीक है, फ्लावर, ठीक है, आ फ्लावर इज नोन एज ब्लूम एंड बुलसन। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो बच्चों, ये जो फ्लावर होता है, ठीक है, ये फ्लावर तो हमें पता ही है। आपने रोज़ का फ्लावर, रोज़ देखा है आपने, रोज़ फ्लावर, हिबिकस, लिली फ्लावर, ये जितने भी होते हैं सारे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, पार्ट्स क्या है फ्लावर्स के, पहला है पेटल्स। ठीक है,
द पार्ट ऑफ फ्लावर आर दैट आर कलर्ड। ठीक है बच्चों, आपने एक फ्लावर देखा होगा, ठीक है, जितने भी कलर्ड होते हैं ना पोर्शन, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पेटल्स कहलाते हैं। जैसे आपने रोज़ का फ्लावर देखा है, रोज़ के फ्लावर में आपने रेड कलर का जो पोर्शन देखा है उसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, और पेटल्स को हम पंखुड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेपल्स। सेपल्स क्या होता है, इट इज़ अ कंसीडर टू बी मॉडिफाइड लीफ विच आर ग्रीन इन कलर एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम आ प्रेडेटर। बच्चों देखो, जो सेपल्स होता है जो हमारे पेटल्स जस्ट नीचे होता है, और इसको हम मॉडिफाइड लीफ भी कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और ये प्लांट्स को किससे बचाता है, फ्लावर को किससे बचाता है, प्रेडेटर से बचाता है। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।